अस्सलाम वालेकुम, मैं मुहम्मद साजिद गुज्जर ते तुसी देख रहे हो साजिद गुज्जर ऑफिशियल चैनल। अज मेरे नाल मौजूद ने शौकत भाई ते अज मैं तुहानू पाकिस्तान दे विच पंजाब दे विच एक ऐसे चारे दे बारे असी गल करांगे, एक ऐसे चारे बारे दे दसांगा कि जिहदे विच फायद बहुत ज़्यादा लेकिन ये बहुत आम नहीं पाया जाता, बहुत घट पाया जाता, लेकिन किसी किसी जगह ते इहनू हजे लाया होया। तो जैसा कि तुम देखते पे कि मेरी बैक साइड से चारा तो नज़र आ रहा और स्क्रीन पर भी तो नज़र आ रहा कि यह चारा जो है बिल्कुल जबरदस्त उग्या होया। असी अज ये बारे गल करांगे कि इहदा नाम की आ, एक किस तरह लाईदा वा और ये की फायदे आ कि जानवरों नू आया कि फायदा दिंदा भी है या नहीं, और अगर असी इहनू लाईए तो इहदी जिहड़ी पैदावार आ उह किद्दां सानू हासिल होगी कि बार बार दोबारा बीजना पैना या इको लो या दो लो या तीन लो ये सानू दिंदा जाऊगा। जैसा कि लो तुसी समझ रहे हैं पंजाबी दे विच कि जदों असी एक दफा चीज़ वढ़ लई दी है कि वह चीज़ दोबारा उस तो भी ज़्यादा उगदी आ, फिर जे दोबारा वढ़ो तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके नाल उगदी आ। तो इस तरीके नाल असी इहदे बारे अज असी पुछांगे भाई तो कि इहदा नाम की आ, इहदे की फायदा, कि ये जानवरों नू भी कोई प्रोटीन दे लिहाज नाल भी कोई फायदा दिंदा। अख तो ना जो अनु गन्ने वांगू काश्त हुंदा जिस तरह गन्ना काश्त करीदा उसे तरीके नाल। और अल्हम्दुलिल्लाह सानू इहनू काश्त कीते नू तकरीबन मेरा ख्याल है लगभग एक महीना भी नहीं होया। सही है, हुण एक महीने दे विच इतना हो गया। सही है, ते दूसरे नंबर ते इहदी काश्त तो बाद अगर इहदी हिफाजत कीती जावे ना ते ये कम अज कम 10-12 साल ये किसी पासे नहीं जांदा। सही है, 10-12 साल जेड़ा ना ये सानू चारा दिंदा रहूगा। ठीक है, 10-12 साल तक चारा दिंदा रहेगा, क्योंकि ये नू एवें समझो कि मल्टी काटा। सही है, इनू कट्टी जाओ ते तैयार हुंदा आंदा, कट्टी जाओ ते तैयार हुंदा आंदा। ठीक है, दूसरे नंबर ते इस चारे दे फवायद ये ने, इहदे विच प्रोटीन आ, अच्छा तकरीबन कोई 15% इहदे विच प्रोटीन आ, 7% इहदे विच शुगर आ, मिठास आ, जानवर इहनू बड़े शौक नाल खांदा। ओहदे कोलों इलावा जिहड़ा ना इहदे नाल दुध दी पैदावार वधदी आ। सही है, ठीक है, जानवर मोटा हुंदा। सब तो मेन चीज है कि जेड़ी अक्सर साडे किसानां दी भाइयां दी जरूरत हुंदी है कि साडा जानवर एक तो सेहतमंद रहे, दूजा जेड़ी दुध दी प्रोडक्ट आ वधे, उस सारी चीजां इहदे विच पाईआं जांदियां। बिल्कुल पाईआं जांदियां। अच्छा, ते मैं एक चीज एक होर भी देखी कि तुसीं इहदे विच प्याज भी लाए होए, मिर्च भी लाई हुई, ते नाल ही ग्रास भी लाया होया, घाह जेड़ा तुसीं लाया होया, एक ही दो दो तीन तीन फसलां भी ला सकते हो। हां जी बिल्कुल, एदा ना असि पहले प्याज लाए सी। सही है, प्याज तो बाद इस असि नैपर ग्रास नु लाया। सही है, नैपर ग्रास भी फुट पिया। सही है, अच्छा हुण मिर्चां ला दित्तियां असि विच। ठीक है, ठीक है, मिर्चां दा भी एक दो असि फल लै के मिर्चां खत्म हो जाणगियां, प्याज पुट्टे जाणे आ। सही है, इह फिर साला साल चलदा रहना। सब तो वड्डा फायदा इह आ, एक दफा काश्त करो ते इहनू चलाई रखो। अच्छा, एक होर चीज जिहड़ी मेन ओह इह हुंदी आ कि इहदी कोई बीमारी, कोई सूंडी वगैरह कोई इह तां नहीं ज्यादा इहते हमला करदी कि जिहड़ा बंदा बार बार कोई स्प्रे वगैरह कोई इहदी है ते उह भी सानू दस्सिओ नाल। नहीं सर, इहनू खाद पाओ। अच्छा, सिर्फ ठीक है, हुण तुहाडे सामने नजर आ रिहा ना, अगर कैमरामैन दिखावे कि देखो बिलकुल सर सबज शबदाब खड़ागा। सही है, और कलर भी इसे तरह रहिंदा बिल्कुल। मेन चीज इह आ कि इह सर्दी दे विच मरदा नहीं। सही है, सर्दी ते गर्मी दोनों च ठीक रहिंदा, सदा बहार। सही है, ठीक है ना, बाकी कोई स्प्रे नहीं करनी पैंदी। असीं कह सकदे हां कि इह इक सदाबहार जिहड़ा ना चारा वा, चारा कि किसे भी मौसम च तुसीं वढ के जिहड़ा ना जानवरां नूं पा सकदे हो। तो जैसा कि तुसीं सुणिया कि इह जिहड़ा नैपर ग्रास इह जिहड़ा चारा वा उह इस टाइम च बहुत ज्यादा लगाया जांदा। मैं अक्सर देखिया कि हुण ना साडे किसान भाई जिहड़ा ना इहनूं काश्त करना शुरू कर दित्ता, ते तुसीं शौकत भाई दी वी गल्लां सुणियां। उम्मीद करदा कि तुहानूं अज दी इह वीडियो दे विच इतना पता चल गया कि इह ग्रास जिहड़ा ना कितना फायदेमंद आ।